नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज जो मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर के आया हूँ, ये कालवा रोड की एक बहुत अच्छी लोकेशन पर लोकेटेड है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रॉपर्टी है कालवा रोड पर, जब आप हातोज की तरफ आते हैं तो हातोज की तरफ से एक रास्ता निकलता है अंदर की तरफ, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी होने वाली है। मेन रोड से अगर मैं बात करूँ इस प्रॉपर्टी की दूरी की, तो मेन रोड से जो इसकी दूरी होने वाली है वो ज़्यादा नहीं, मात्र 700 से 800 मीटर के डिस्टेंस पर होने वाली है। और जो प्रॉपर्टी है वो लगभग 71 गज के अंदर बनी हुई है। फ्रंट की और डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रंट एंड डायमेंशन भी यहाँ पर बहुत प्यारा होने वाला है। 2 BHK प्रॉपर्टी है। जिन लोगों का बजट है कम है और जिनकी फैमिली छोटी है, उनके लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी मैं लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्यारा प्यारा सा इंटीरियर और खूबसूरत सा प्यारा सा आपको ये 2 BHK प्रॉपर्टी मिल जाता है। अभी हम लोग पहले बाहर से टूर करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं फ्रंट एलिवेशन, फिर मैं आपको पूरा टूर कराऊंगा, तो आ जाइए। तो ये आप देख रहे हैं इसका फ्रंट एलिवेशन, जो कि बेहद ही प्यारा सा है। और आसपास में लोकेशन देखिए, इस तरफ पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड कॉलोनी होने वाली है। 16x40 के डायमेंशन में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। और जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मैं बता देता हूँ आपको, प्राइस होने वाला है 23 लाख। और प्रॉपर्टी जो है सभी चीज़ों को सोचते हुए यहाँ पर बनाई गई है। देखिए, सब लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। एक प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं तो हो सकता है जीवन में सिर्फ एक ही बार लेते हैं, जिनके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है वो 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी, मेरे जैसा आदमी, प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही बार लेता है और सोचता है कि आसपास की जो लोकेशन है बजट के हिसाब से ठीक हो, लोकेशन के साथ ही आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक हो और आसपास के पड़ोसी ठीक हो। ये सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जो है प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। तो आज मैं प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, सभी चीज़ों को देखने के बाद बता रहा हूँ। और जो प्रॉपर्टी का मैं बताऊँ फेसिंग, तो नॉर्थ फेसिंग की प्रॉपर्टी है। जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे तो दोनों ही साइड में आपको टाइल्स वर्क मिल जाता है, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक आपको सीलन पपड़े की से रिलेवेंट समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाटर टैंक प्रोविज़न है। सामने की साइड में नीचे की तरफ आप देखिए कुछ इस तरीके से बॉक्स है, और यहाँ से आपको स्टेयर्स का प्रोविज़न है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर आपको लेकर के जाता है। मीटर बॉक्स बाहर की साइड में इंस्टॉल किया गया है। देखिए, प्राइस भले ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी जो है कोई भी कंजूसी करके बनाई गई हो, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, ऐसा नहीं है। विंडो है यहाँ पर, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन होगा, और ये आ जाता है हॉल जैसे कि आपने देखा। और ऊपर की साइड में प्यारा सा फुल सीलिंग का वर्क है और कुछ फैंसी लाइट्स लगा करके दी गई हैं। एक वॉल के ऊपर वॉलपेपर वुडन का बहुत प्यारा सा वर्क आपको दिख रहा होगा, और सनमाइका के साथ में इसे कवर किया गया है। यहाँ पर तो आपका सोफा सेट लग जाएगा, और जिसके सामने ही आपको LED पैनल है जिसमें आपको रोप लाइट लगा करके दी गई है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ हॉल में क्या है, तो इस तरफ आपको बाथरूम मिल जाता है जो कि कॉमन बाथरूम है। प्राइस है इसका 23 लाख 23 लाख रुपये प्राइस है। 23 लाख रुपये में ऐसी प्रॉपर्टी मिलना बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ किचन, और किचन की जब एंट्री देखेंगे, एंट्रेंस में किचन बहुत प्यारा आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस तरीके से जो है स्पॉट लाइट्स वगैरह लगा करके दी गई है। यहाँ पर काउंटर टॉप ग्रेनाइट के वर्क के साथ में नीचे की साइड में कैबिनेट्स, सामने आपको विंडो, ऊपर भी कैबिनेट्स हैं, और उस तरफ आपको एग्जॉस्ट लगाने का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आपको सिंक एरिया है। देखिए, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी को डिज़ाइन किया है, तो प्रॉपर्टी एक अच्छी प्रॉपर्टी निकल करके आई है। 71 गज के अंदर 16 का फ्रंट होना थोड़ा सा आपको जो है मुश्किल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मिल जाता है इसका रूम, सामने आपको विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन होगा, यहाँ पर प्रॉपर आपको वॉलपेपर, और इस साइड में वार्डरोर है जहाँ पर आपके जो भी ड्रेसेस वगैरह हैं वो इजीली आप रख सकते हैं, और भी कुछ सामान हो तो आप रख सकते हैं। तो ये आपने पहला रूम देखा, 2 BHK प्रॉपर्टी है और बेहद ही प्यारी खूबसूरत से डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर आ जाता है ये इसका सेकेंड बेडरूम, बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर इस साइड में आपको वॉलपेपर, देखिए वॉलपेपर की जो थीम्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऊपर की साइड में प्रॉपर बॉक्स, एसी का सेपरेट पॉइंट, और जस्ट ऊपर की साइड में फुल सीलिंग का वर्क है जहाँ पर आपको प्रॉपर जो है लाइट्स वगैरह लगा करके दी गई है। यहाँ पर आ जाती है वार्डरोब, तो दोनों ही रूम्स के साथ में वार्डरोब मिल रही है। वहाँ पर पीछे की साइड में बैकयार्ड का एरिया है जहाँ से कि आपका प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन बना रहेगा, और यहाँ पर भी आपको स्पेस अवेलेबल करवाया गया है। तो जो प्रॉपर्टी मैंने आज आपको दिखाई है 71 गज के अंदर, यानी कि 71 गज के अंदर बनी हुई है, 16x40 के डायमेंशन में है, कालवा रोड हातोज के अंदर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। और चाहते हैं इस प्रॉपर्टी की अधिक जानकारी लेना, तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर डायरेक्टली कॉल करके इस प्रॉपर्टी को विजिट और आप परचेज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का प्राइस 23 लाख है। सोसाइटी पट्टे के साथ में बनी हुई है, नॉर्थ फेसिंग की ये प्रॉपर्टी है। 80% लोनेबल है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ लोकल ट्रांसपोर्ट की, तो सारी ही लोकल ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, बस स्टैंड और सिंधी कैंप। यहाँ से जो दूरी है 15 से 16 किलोमीटर की होने वाली है। पास में ही आपको स्कूल, मार्केट वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। रूम के साइजेस की बात करूँ तो एक रूम यहाँ पर आपको 10x12 का मिल जाता है, दूसरा रूम जो है आपको वहाँ पर 9x10 का मिल जाता है। तो दोनों ही रूम्स के साइज़ भी सफिशियंट आपको दिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।